हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका 2016 का है और इसमें क्या अपडेट यहाँ पर नया है वो आपको बताने वाला हूँ। कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2016 में क्या हुआ था और उसी में यहाँ पर अब जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अब यो भी चाह रहे हैं, इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों ने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया सीएम को। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राथमिक लेवल में जिनका यहाँ पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है बीएड अभ्यर्थियों का या आपके डीएलएड अभ्यर्थियों का जिसका भी यहाँ पर हो रखा है, उसमें जो है अब दोबारा से यहाँ पर जो है कई अभ्यर्थियों ने अपनी काउंसलिंग एक जगह न करा कर कई जगह करवा रखा है और नियुक्ति भी वहाँ पर ली है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है इन्होंने जो है यहाँ पर देख सकते 2016 का यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और इसमें कहा गया है कि विभाग को जितने भी यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर उनको बाहर करने की बात कही है, जिसको लेकर जो है कंप्लेंट जारी करा है जो बीएड अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड टीटी प्रशिक्षण महासंघ के द्वारा यहाँ पर सीएम को ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान समय में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है 2287 लगभग 2300 के करीब जो पोस्ट थे और इस पर जो है कई लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी हैं। कई लोग यहाँ पर जो है नियुक्ति लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं अपना। तो मतलब कि यार कहीं ना कहीं जो है सीटें जो है वो खा दे रहे हैं। तो इसी वजह से अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नाम निकले, इसको लेकर यहाँ पर कई लोगों ने अपना यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक जनपद में जो है नियुक्ति प्राप्त कर लेता है अथवा यहाँ अभ्यर्थी किसी जनपद में जो है नियुक्ति लेने का इच्छुक नहीं हो तो ऐसे अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ पर जो है जनपद की जो है प्रतीक्षा सूची से जो है अपना नाम जो है पृथक करने से यहाँ पर जो संबंधित अनुरोध पत्र को यहाँ पर जो है जनपद द्वारा दूरभाष के माध्यम से यहाँ पर पुष्टि करते हुए जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तथा जनपद से यहाँ पर अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थी वो निरस्त कर दिया जाए, इस तरह की इनकी मांग चली हुई है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं उच्च गुणांक वाले जो हर जनपद में आपको देखने को मिल रहा है, बार बार वही चीज़ें हो रही है, तो ये चीज़ कम हो इसको लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और ताकि उनके अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से चमोली का था, पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट का था, उसमें लगभग 45 अभ्यर्थी ऐसे थे उनकी लिस्ट में दिए गए थे अपनी नियुक्ति जो है निरस्त करने को लेकर, क्योंकि पहले से ऑलरेडी वहाँ पर नियुक्ति ले लिए थे वो, उसके बाद कई और जगह दूसरी जगह ले लिया और उन पर उन्होंने जो है अपना निरस्तन अभ्यर्थी को जो है उन्होंने अपना रिक्त पोस्ट छोड़ने को लेकर लेटर डाला था। क्योंकि एक बार जो है आपकी जॉब लग जाती है तो उनको छोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं। साथ में यहाँ पर जो गतिमान भर्ती है उस पर अभ्यर्थी ने यह भी कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची की जारी यहाँ पर करने के साथ ही यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा यहाँ पर एक सप्ताह जो है कैलेंडर जारी करें और प्रतीक्षा सूची में यहाँ पर जो है जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ना उसमें 25% जो है अतिरिक्त पदों पर जो है विभाग द्वारा यहाँ पर जारी साप्ताहिक कैलेंडर भी यहाँ पर जो है दी गई निश्चित जो है तिथि में सभी जो जनपद हैं किसी भी जो है तरह अपनी जो है प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी करें। तो ये कि आपका यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं 25% जो है एक्स्ट्रा सीटों के साथ वहाँ पर वो वेटिंग लिस्ट निकालें ताकि उसी सप्ताह में जो है वो कैलेंडर के रूप में जारी हो और उनका भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, अगर क्योंकि वो छोड़ देते हैं सीट तो उसका नेक्स्ट वालों का नंबर आएगा, इस तरह करके। और इस तरह के यहाँ पर अपडेट दे रखी है। और यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया चली है उसका सरलीकरण को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी के द्वारा अभ्यर्थी के जो है त्याग पत्र के कारण जो है विज्ञापन पद पर जो है विज्ञप्ति पद पर जो है किसी योग्य अभ्यर्थी को जो है नियुक्ति मिलना संभव नहीं है तथा यहाँ पर जो है राज्य के जो शिक्षक भी दुर्गम अति दुर्गम जो विद्यालय हैं अध्यंतरित नवनिहाल को यहाँ पर योग्य शिक्षक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों के जो है प्रति कठोर जो है विभागीय तथा यहाँ पर जो कानूनी ठीक है दंडात्मक कार्रवाई करने की यहाँ पर कृपा कीजिए। तो यहाँ पर जिन्होंने ऐसा काम किया है जो एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरी जगह से तीसरी जगह कई जगह पर जो है मतलब कि एक जगह से ज़्यादा वहाँ पर नियुक्तियाँ ले रही हैं उनके खिलाफ जो है जो भी कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होती है उन पर कार्रवाई करने के जो है आप आदेश जल्द से जल्द जारी करें, इस तरह का ज्ञापन दिया गया है अभ्यर्थियों ने। और ये आप लोग देखते हैं और इन्होंने जो है मेंशन भी कर रखा है नीचे सब कुछ लिखा बहुत बड़ा यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा गया है इसमें कि जो हमने पहले भी ये आदेश हो चुके थे ना ये वाला इन्होंने मेंशन करा है अपनी विज्ञप्ति जो यहाँ पर अपना ज्ञापन देने वाले हैं, तो इसमें यहाँ पर 2016 का भी जारी किया गया है। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे थे उस टाइम पे जिनका यहाँ पर जो है कहीं और जो है चयन हुआ था और पुनः जो है यहाँ पर नियुक्ति निरस्त करने की यहाँ पर बात कर रखे थे, तो इसी वजह से इनका ज्ञापन में अपना जो है
इन्होंने मेंशन कर रखा 2016 वाला भी। तो इस तरह के यहाँ पर अपडेट है जो कि आप लोग देखते हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि वेटिंग लिस्ट वालों को जो कई जगह पर अपना अपना काउंसलिंग करवा के आ जा रहे हैं तो कई जगह पर नियुक्तियां भी नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में ऐसा ना करें करने के लिए जो है आवेदन किया गया है। साथ में यहाँ पर जो है 25% जो है एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट हैं वो निकाल दिया जाए, उसी सप्ताह में जो है कम्प्लीट हो जाए ये कहा गया है, और जल्द से जल्द जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए इस तरह यहाँ पर कहा गया है। तो ये पूरा आप लोग देखते हैं, बहुत बड़ा लेटर इन्होंने लिखा गया है, तो जो मुख्य मांगें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं।